सर स्वामी विवेकानंद जी का कोट है कि इफ यू कांट टेक रिस्क यू कांट गेट सक्सेस। सर 12वीं के बाद हमको कई लोग बोलते हैं कि आप इंजीनियरिंग करो, कई बोलते हैं मत करो, तो सर हम पहचाने क्या, इंजीनियरिंग करना रिस्क है कि इंजीनियरिंग छोड़ना रिस्क है? कैसे पहचानना किस बात में रिस्क है, क्या करना अच्छा है क्या करना अच्छा नहीं है, ये बहुत से प्रश्न हम सबके सामने हर समय आते हैं। जाहिर है कि यहाँ सब बैठे हुए लोग बड़े जो उम्र में हैं, जो कामयाब भी हैं लाइफ में, उनके सामने भी प्रश्न आते हैं। तो मैं एक जो मैंने सीखा है, गौतम बुद्ध की जो विपस्सना है, मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। और विपस्सना वैसे तो सिखाई बताई नहीं जा सकती इस तरह से लेक्चर हॉल में, लेकिन थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा। रामायण के माध्यम से आपको विपस्सना की बात बताता हूँ, और वो उसके अंदर आपके हर सवालों के जवाब आपको मिलते रहेंगे अगर आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो वो क्या है, रामायण में कितने लोग रहे? राम, सबसे पहले राम का अर्थ क्या? तो मुझे समझ में, रा से मतलब रोशनी, और माँ का मतलब मेरे अंदर, मेरे अंदर की जो रोशनी है उसको राम का नाम कहा गया। और राम ने जन्म किसके लिया? दशरथ के। दशरथ यानी 10 घोड़ों वाला रथ। और अगर उसको सही मायने में अगर हम समझें तो हमारी 5 इंद्रियां हैं शरीर की जो हम महसूस करते हैं, और 5 इंद्रियां हमारी ऐसी हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। तो ये 5 इंद्री महसूस करने वाली और 5 कर्म करने वाली, जो 10 इंद्रियों को, और उनकी माता का नाम क्या था? कौशल्या। कौशल्या का मतलब स्किल, हुनर। तो जो व्यक्ति कुशलता से अपनी 10 इंद्रियों को ठीक से काबू करके उनके ऊपर अगर रथ को चला सकता है तो राम का जन्म दे सकता है। तो ये एक प्रकार से इस रामायण के माध्यम से मैंने आपको बताया कि बुद्ध की शिक्षा जो विपस्सना की शिक्षा है वो ये है कि अपने आप को अगर ठीक से समझेंगे, अपने अंदर के विवेक को समझेंगे, अपने आप को अगर समझेंगे, तो हर प्रश्न का उत्तर आपके अपने अंदर है। अपने आप पर विश्वास करना सीखिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जिस दिन आपको अपने ऊपर ये विश्वास हो जाएगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप वाकई मान लीजिए मेरी बात, और याद रखिएगा कि किसी डॉक्टर सुभाष चंद्र ने कहा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अरे वाह वाकई मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा आभास आपको होने लगेगा, ऐसा आपको महसूस होने लगेगा और आपकी हिम्मत और बढ़ती चली जाएगी। अभी क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह, एक मिनट लूँगा आपका, क्योंकि मैं आज सौभाग्य से आप हैं मेरे साथ, तो मेरे दर्शक जो बैठे हैं उनके लिए भी कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। पब्लिक लाइफ में आपके अपोजिशन भी लोग रहते हैं, पॉलिटिकल लाइफ में आपके ओपोनेंट भी रहते हैं, आपकी अपनी पार्टी में, बाहर की पार्टी में आपके ऊपर कई बार ठीक गलत लांछन भी लगते हैं, तो उनसे कैसे आप अपने आप को बचा के रखते हैं? यदि रास्ता सही है, निर्णय सही है, और मुझे इस बात के लिए मैं जानता हूँ कि वो चाहे विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, यदि आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर शक्ति है और आप अपने लक्ष्य को क्लियर देख रहे हैं, उस बीच आप विचलित ना हो, क्योंकि लोग आपको विचलित करना चाहते हैं, गलत आरोप लगा के आपको डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैंने तय किया मेरा डाइवर्शन कभी नहीं होगा, मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ और मैं मानता हूँ लक्ष्य यदि पवित्र है और दिल में आपके और मन में सोच सही दिशा में जा रहा है, तो दुनिया का कोई ऐसा लक्ष्य मुकाम पूरा नहीं हो सकता,
आप भी यहाँ खड़े होके डॉक्टर रमन बन के मुख्यमंत्री की हैसियत से क्या और ऊपर जाके बात कर सकते हैं। आप एक टारगेट बना के चलिए पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ। ये दो चीज़ यदि करेंगे तो दुनिया में कभी आप असफल नहीं होंगे, मैं ये लिख के आपको दे सकता हूँ। बहुत अच्छा। तो ये थे डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। उन्होंने जो कहा उसको अगर एक छोटे से एक शेर में मैं अगर आपको बताऊं तो उन्होंने ये कहा कि नाजा हो खुदा, यानी भगवान की अगर थोड़ी सी कृपा हो, नाजा हो खुदा दिल में हो आग रे, तो ऊंचाई भी तुझे झुक के हाथ दे। मैं अधिकारी बनना चाहती हूँ, पर बीएससी के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे? देखिए, आप अधिकारी बनना चाहती हैं? यस सर। किस तरह के अधिकारी बनना चाहती हैं? शिक्षा अधिकारी सर, अपने जिले में। अपने जिले में शिक्षा अधिकारी बनना चाहती हैं? जी सर। जिंदगी में एक याद रखिएगा कि हम में से हर व्यक्ति जो इस हॉल में या जो इस कार्यक्रम को देख रहा है, जहाँ भी बैठे हुए देख रहा है, हमारे अंदर जन्म से कुछ न कुछ प्रतिभा किसी न किसी प्रकार की, हम पैदा होते हैं तब हमारे साथ वो प्रतिभा आती है, यानी उसको अंग्रेजी में भी से टैलेंट। आज भी जब हम बिजनेस में किसी को हम अपने नौकरी के लिए इंटरव्यू करते हैं तो तीन चीज़ें देखी जाती हैं। एक के उसका पढ़ाई लिखाई कितना है, नॉलेज यानी नॉलेज कितनी है, दूसरा उसका एक्सपीरियंस तजुर्बा क्या है, तीसरा फिर हम देखते हैं टैलेंट क्या है। तो नॉलेज कैन बी ट्रांसफर्ड, कैन बी गेन्ड, और एक्सपीरियंस कैन बी ट्रांसफर्ड। हमारे यहाँ एक परंपरा जैसे है ना, देखिए आप हैं तो भाई बड़े अहदे में, लेकिन आइए इधर, ये मेरे छोटे हैं इसलिए मैं इनसे लिबर्टी लेता हूँ। आप कितनी उम्र से हैं? 40। अरे वाह, तो मेरे बेटे के बराबर ही हैं। तो अब ये देखिए, ये मेरे पांव छुएंगे और मैं इनके हाथ पर, ये देखिए ऐसा मैंने नहीं रखिए, ये उन्होंने रखा है और मैंने हाथ उनके सर पे रखा है, तो क्या हुआ, ये मेरा एक्सपीरियंस काला जो शरीर था उन्होंने मुझे यहाँ से छुआ और मैंने उनके सर पे हाथ रखा, तो आपस में एक क्लोज सर्किट एक बन गया, और मेरे अंदर की जो नॉलेज है, मेरे अंदर की जो क्षमताएं हैं, वो इनके शरीर में ट्रांसफ़र होती है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है पांव छूने की। शिक्षा ली जा सकती है और एक्सपीरियंस जो है वो इस तरह से ट्रांसफ़र होता है। हमारे यहाँ तो ये परंपराएं बड़े अच्छी बुज़ुर्गों ने बड़े सोच समझ के बनाई है। आज का विदेशों में क्या, अंग्रेज़ों में हाय डैड, हाय पापा, वो हाथ भी नहीं मिलाते हैं, और आजकल शहरों में भी ये हो गया, वो बाप को पांव नहीं छूते, ऐसा ऐसा कर देते हैं बस, तो परंपरा से हट गए। लेकिन जो टैलेंट है वो केवल आपके अंदर जो है सो है, उसको कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसके आपके अंदर कोई दूसरा टैलेंट डाल नहीं सकता। ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि अगर आपको शिक्षा अधिकारी बनना है तो आपके अंदर वो टैलेंट है कि नहीं वो पहचानिए। अगर आपको लोगों को लेक्चर देना अच्छा लगता है तो इसका मतलब शिक्षा अधिकारी बन सकती। इसके साथ आप सबने मेरा इस शो में आए, आपने मेरा सुना, मेरे को इतना आदर मान दिया, उसके लिए बहुत आभारी हूँ, मुख्यमंत्री जी का भी, छत्तीसगढ़ सरकार का, और यहाँ दंतेवाड़ा के सभी नागरिकों का, और आप सब प्यारे बच्चों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्र शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slb.com। या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं, बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।